नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बिंदास होंगे, मजे में होंगे। दोस्तों आज हम एक नई तरह का जो फ्रॉड मार्केट में चल रहा उसका डिस्क्लोज करने वाले हैं और उसके बारे में बताने वाले हैं और कैसे मेरे स्टार भी फ्रॉड हो गया 2480 रुपये का। और जब मैं उनसे बोला कि मैं आपके खिलाफ वीडियो पब्लिश करूंगा यूट्यूब पे, फेसबुक पे और सोशल मीडिया पे, तो यहां तक उन्होंने मुझे धमकी दे दिया कि आपके साथ इलीगल हम कार्रवाई करेंगे। तो दोस्तों देखिए, पहले हुआ यूँ था कि मैं एक छोटा सा शॉप चलाता हूँ जो CSP केंद्र है, जहाँ से लोगों को पैसे विड्रॉल और डिपॉजिट किया जाता है, अलग अलग पोर्टल से ले रखा हूँ। तो मुझे एक CSP का मतलब कि एक जन सुविधा केंद्र जो होता है उसकी आवश्यकता था। मैं गूगल पे सर्च किया, गूगल पे सर्च करने के बाद मैं वहाँ पे टेक्स्ट डाला तो उधर से रिप्लाई आता है और मुझे समझाया जाता है कि आपके जितने भी गवर्नमेंट सर्विसेज है यहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में मिल जाएगा और यहाँ से आप आधार में अपडेट कर सकते हैं, पैन कार्ड बना सकते हैं और आयुष्मान कार्ड भी बना सकते हैं। मतलब कि जितनी भी सुविधाएं आपको मिल जाएगा यहाँ पे, और आपको करना सिर्फ ये है कि आपको डॉक्यूमेंट मुझे सेंड करनी है। जब मैं डॉक्यूमेंट सेंड करता हूँ उसके बाद में उन्होंने बोला कि देखिए, वन टाइम आपको 2480 रुपया पे करना होगा, उसके बाद ही आपका जितना भी प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगा। मैं सोचा चलो 2480 रुपया लग रहा है, कौन सी बड़ी अमाउंट है, चलिए मैं दे देता हूँ। और मैं बोला कि मैडम मैं तभी करूँगा क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा फॉल्सवादी है, मैं अपने आप को तिस्मान खान समझा और मैं बोला कि मैं तभी पे करूँगा जब एक कंपनी के नाम से होगा। तो कंपनी के नाम से एक GST जो करेंट अकाउंट होता है, करेंट अकाउंट था वो, मैं करेंट अकाउंट उनका वो HDFC बैंक का था वो दिए, मैं उस पर पैसे ट्रांसफ़र कर दिया। जन सेवा डिजिटल केंद्र के नाम से था, उस पर मैं पैसे ट्रांसफ़र कर दिया। उन्होंने कुछ प्रोसेस किया और मैं उस पोर्टल पे यूजर आईडी और पासवर्ड मेरा क्रिएट करने के बाद वो सबमिट कर दिए और मुझे फॉरवर्ड कर दिया और भेज दिए। वहाँ तक तो ठीक था, उसके बाद में मैं सोचा चलो मैं कुछ काम करता हूँ, इस पर ट्राई करता हूँ कुछ करने का। इससे पहले मैं गूगल सर्च कर लिया था तो बहुत सारे यूट्यूबर ऐसे थे दोस्तों जो सिर्फ इसके बारे में बताए थे कि आप यहाँ से ये सुविधा ले सकते हैं, लेकिन अंदर घुसने के बाद वो यूट्यूबर नहीं बताए थे कि इसमें फंस भी जाइएगा। लोग फंस भी रहे हैं क्योंकि वो कभी अप्लाई नहीं किए थे, कभी इनको पे नहीं किए थे, वो सिर्फ इसके बारे में डिटेल बताते थे कि इनके ये सुविधा लीजिएगा तो ऐसे ऐसे होगा। फिर कहा तो दोस्तों मैंने 2480 रुपया पे किया और मैं जैसे ही सर्विसेज पे क्लिक किया तो इनका सर्विसेज जितने भी थे बोगस थे। चलिए मैं पूरा स्टेप बाय स्टेप मैं पूरा खोल करके वीडियो बताऊंगा और इनका पोर्टल भी दिखाऊंगा। और जैसे ही मैं APS ट्रांजेक्शन करने की कोशिश किया तो वहाँ पे बोलता है कि आपका वॉलेट में सफिशेंट फंड नहीं है। फिर मैं उनसे कॉन्टेक्ट किया और बोला कि सफिशेंट फंड नहीं बता रहा मैडम, तो बोले कि हाँ वन टाइम आपको फर्स्ट टाइम कंपनी की तरफ से रिचार्ज होता है, टॉपअप करवाना पड़ता है, जब आप टॉपअप करवाइएगा तभी ही आपका आगे का प्रोसेस होगा। फिर मैं बोला कि ठीक है मैडम, टॉपअप कितना का होता बताइए, तो झट से बोलते हैं कि 6000 रुपये का फर्स्ट टाइम आपको टॉपअप करवाना पड़ेगा तभी आपका आगे का प्रोसेस हो पाएगा। दोस्तों मैं एक बात सुनकर के शॉक्ड हो गया। उसके बाद में मैंने सोचा क्या, मतलब ये डेफिनेटली था ही फ्रेंड्स कि देखिए 2480 रुपया तो मेरा गया और अगर मैं 6000 रुपया उनको पे कर देता तो भी वो चला जाता। इसके कहने के बाद मैंने बोला कि मैडम आप मेरे साथ फॉल्सवादी किए, जैसे कि मैं पूरा रिकॉर्डिंग आपको दिखाऊंगा लास्ट के वीडियो तक आप देखिएगा तो इसके पूरे में डिटेल जान जाइएगा, आप नहीं फंस पाइएगा इससे। इसीलिए दोस्तों मैं वीडियो बना रहा हूँ कि मैं तो फंस गया लेकिन आप लोग ना फंसे। और बहुत सारे लोग ये धड़ल्ले से पूरा ऑल ओवर इंडिया में किया जा रहा है काम और एक दो ना भतेरे कंपनी आपको मिल जाएगा। तो मैं तो कहूँगा दोस्तों इस टाइप की कंपनी में अगर आपके पास कॉल भी आता है तो पे करके नहीं लेना, फ्री में सर्विसेज दे दे तो ले लेना है, पे करके कुछ भी नहीं देना है। क्योंकि इन्होंने बोला था मेरे पास CSAF सर्टिफाइड गवर्नमेंट सर्टिफाइड CA है जो आपका सारा वर्क करके देगा। तो दोस्तों मैं देने से मना कर दिया, डिनाई कर दिया, मैं बोला मेरे पास पैसे नहीं, मैं इतना नहीं दे सकता। तो यहाँ तक वो आ गए कि चलिए आप 500 रुपये मुझे ट्रांसफ़र कीजिए इस अकाउंट पे, मैं प्रोसेस करवा देता हूँ आगे का। तो दोस्तों सोच सकते हैं इनका फी 2480 रुपया ये बोले जो कि चला गया और 6000 रुपया मांग रहे थे वो भी चला जाता। क्योंकि अगर इनका वन टाइम कॉस्ट होता टॉपअप का जो क्राइटेरिया होता 6000 रुपया तो फिर 500 रुपया क्यों डिमांड करते। तो चलिए दोस्तों पूरा वीडियो देखते हैं आखिर क्या माजरा हुआ था। चलिए उसका पोर्टल पे चलते हैं और ध्यान से लोगों को देख लीजिए। और इस टाइप की सर्विसेज जब ऑनलाइन आप सर्च करते हैं तो प्लीज, क्योंकि दोस्तों एडवर्टाइजमेंट भी आ रही है ना फेसबुक पे, इसका कंपनी का एडवर्टाइजमेंट भी आ रही है, धड़ल्ले से यूट्यूब पे आ रही है, गूगल पे आ रही है, तो दोस्तों कोई भी ट्रस्ट कर लेगा और इसके जाल में फंस जाएगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं वीडियो को।
दोस्तों, जैसे कि आपको वीडियो के थंबनेल और टाइटल देख करके आपको समझ में आ ही गया होगा कि हम किस बारे में बात करने जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आजकल YouTube पर और Facebook पर या कहें Google पे धरने से जन सेवा केंद्र नाम से एडवर्टाइजमेंट आ रहा है और वहाँ पे दिखाया जा रहा है कि आप कैसे इससे जुड़ करके लाखों हजारों रुपया कमा सकते हैं। जैसे कि आपको इंटरफेस यहाँ पे दिख रहा होगा, इतना सारा सब कुछ सुविधाएं आपको मिलेगा, फलना फलना बताया जाता है। ऐसा ही जन सेवा डिजिटल सर्विस के नाम से एक कंपनी है जो कि मेरे साथ धोखाधड़ी किया। उन्होंने बोला कि जैसे कि ऐड मैं ऐसी सर्फ कर रहा था, ब्राउज कर रहा था, करते करते मैं एक CSP केंद्र चलाता हूं जो कि अलग अलग पोर्टल से लेकर के वहां पे पैसे निकालने डिपॉजिट करने का सुविधा देता हूं लोगों को। तो मैं ऐसी ऐड आने के बाद मैंने सोचा क्यों ना जन सेवा केंद्र ही ले लिया जाए जहाँ पे हम अलग अलग सुविधा प्रोवाइड करेंगे। इन्होंने प्रोवाइड बताया कि जन सेवा डिजिटल केंद्र आपको लेने के बाद आपको यहाँ से आप अलग अलग जितनी भी गवर्नमेंट सर्विसेज हैं, जैसे आयुष्मान कार्ड हो गया, आधार कार्ड से रिलेटेड हो गया, या कह लें दोस्तों कि अगर आप पैन कार्ड बनाते हैं या किसी तरह का अपडेट करते हैं सरकारी गवर्नमेंट, जितनी भी आती है सब सर्विसेज आपको यहाँ पे उपलब्ध करवाया जाएगा। देखिए, जैसे कि आपको नंबर यहाँ पे हम दिखाते हैं। उन्होंने बोला कि सारा डिटेल मुझे भेजिए। ऐसी मैं सर्च कर रहा होता हूँ और गूगल पे आ जाता है ये चीज़ लिख करके कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में जन सेवा केंद्र मिल जाएगा। वहाँ पे हम क्लिक करके रजिस्टर कर लेते हैं और रजिस्टर करने के बस दूसरे दिन ही मेरे पास कॉल आता है कि आप पूरा डॉक्यूमेंटेशन पूरा कीजिए। उसके बाद में डॉक्यूमेंटेशन पूरा करने के बाद आपको 2480 रुपया पेमेंट करना होगा और आपका ID एक्टिवेट हो जाएगा। इतना सुनने के बाद दोस्तों मैं सोचा कि 2480 रुपया कोई बड़ी बात तो है नहीं, अगर मिल जाएगा तो अच्छी बात है। मैं सब डॉक्यूमेंट जैसे कि आप देख रहे होंगे यहाँ पे 2480 रुपया उनके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, जैसे कि आपने स्क्रीनशॉट में देखा था। उधर से लिंक आता जन सेवा केंद्र की तरफ से और उस लिंक पे मैं पे कर दिया, क्लिक करके पे कर दिया, उनके अकाउंट पे किया और वो HDFC बैंक का अकाउंट था और जन सेवा डिजिटल केंद्र के नाम से ही रजिस्टर था। मैं पेमेंट कर दिया दोस्तों और 2480 रुपया देने के बाद फिर उन्होंने बोला कि चलिए कुछ प्रोसेस है, हम प्रोसेस कर लेते हैं, आपका अकाउंट क्रिएट कर देते हैं। अब दोस्तों अकाउंट क्रिएट होने के बाद उन्होंने कॉन्फ्रेंस में लिया मुझे बताया कि आप ऐसा कीजिए, अगर आप चलाते हैं टीम व्यूवर तो आप उस पर आइए, हम आपको टोटल प्रोसेस कर देते हैं। शुक्रगुजार हूँ मैं गॉड्स के कि मैं ज़्यादा फ्रॉड में के चक्कर में नहीं पड़ा। मुझसे अगर मैं एक्सेस अपना सिस्टम का दिया तो था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। लेकिन दोस्तों आपके साथ ऐसा हो सकता है, ये फ्रॉड भी हो सकता है जैसे मेरे साथ हुआ और मुझसे भी बढ़कर हो सकता है। अब दोस्तों मैं उनको 2480 रुपया पेमेंट कर दिया। जैसे कि आप देख रहे होंगे कि मैं यहाँ पे गूगल पे सर्च कर रहा हूँ जन सेवा डिजिटल केंद्र, और जैसे ही आप सर्च कीजिएगा इनका एडवर्टाइजमेंट फर्स्ट में ही आ जाएगा, जन सेवा केंद्र या जन सेवा डिजिटल केंद्र, और बहुत सारे मतलब के एडवर्टाइजमेंट इस टाइप का अभी मार्केट में चल रहा है और गूगल पे चल रहा है, फेसबुक पे चल रहा है, ट्विटर पे चल रहा है, और वहाँ पे लोग छोटी सर्विसेज कह करके, छोटा अमाउंट कह करके आपसे स्टेप बाय स्टेप कैसे पैसे ये लोग ऐंठते हैं, हम इसी में इन सब का उजागर करने वाले हैं। लास्ट में आपको एक भी ID एक्सेस मतलब कि आपको नहीं मिलेगा और जो सर्विसेज आपको ये लोग देंगे वो अभी फिलहाल में मार्केट में फ्री ऑफ कॉस्ट में अवेलेबल है। होता क्या है कि 2480 रुपया मैं जैसे ही इनको पेमेंट करता हूँ, पेमेंट करने के बाद ये एक्सेस मुझे दे देते हैं, मतलब ये अपना पैनल पे यूजर और ID क्रिएट करके मुझे देते हैं और MPIN देते हैं, जैसे कि स्क्रीन पे दिख रहा होगा 2480 रुपया मैं पेमेंट किया हूँ। उसके बाद में होता है दोस्तों कि मैं उस ID से लॉगिन करता हूँ। लॉगिन करने के बाद इन्होंने बोला कि कुछ डिटेल्स है, चलिए आपको फिलअप करना है। मैं फिलअप करता हूँ। फिलअप करने के बाद वहाँ पे एक ऑप्शन आता है APS की, जिस APS के थ्रू हम पैसे निकाल सकते हैं और आधार कार्ड से पैसे निकाल सकते हैं और किसी भी बैंक से पैसे उससे निकाल सकते हैं। ये देखिए पैन कार्ड जो आप फ्री ऑफ कॉस्ट में मतलब कि 107 रुपया पेमेंट करके आप बना सकते हैं, वो सर्विसेज आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको मिला हुआ है सरकार की तरफ से। उसके लिए इन्होंने मुझसे फॉर्म फिलअप करवाया। चलिए वहाँ तक तो ठीक था, मैं फॉर्म फिलअप कर दिया। करने के बाद दोस्तों इन्होंने बोला कि चलिए आपको अब APS एक्टिवेट कर देता हूँ। जैसे ही APS एक्टिवेशन के लिए अपना डिटेल मैं यहाँ फिलअप करता हूँ और फिलअप करने के बाद जैसे ही सबमिट करता हूँ तो ये बोलते हैं कि आपके वॉलेट में पैसे नहीं है, ये एक्टिवेट नहीं होगा। मैं शॉक्ड हो गया कि चलिए एक्टिवेशन के वॉलेट में हकीकत में मेरे पास पैसे नहीं है, चलिए मैं डाल देता हूँ। मैं सोचा चलो 100 रुपया मैं अभी डालता हूँ और डाल करके एक्टिवेट कर लेता हूँ, लेकिन इन्होंने बोला 100 रुपया नहीं, फर्स्ट एक्टिवेशन चार्ज आपको 6000 रुपया लगेगा। जी हाँ, उधर 2480 रुपया फंस गए थे और इधर फिर से डिमांड 6000 रुपया ये लोग कर दिए कि आपको फर्स्ट एक्टिवेशन 6000 रुपया करना होगा, तभी आपको ID मिलेगा।
यार इन्होंने बोला कि आप उस जो आप 6000 रुपया पेमेंट कीजिएगा वो आपके आईडी में यानी वॉलेट में ही रहेगा, उसको आप यूटिलाइज जो भी सर्विसेज आप लीजिएगा उसमें कर सकते हैं, ये आप ही का पैसा है। लेकिन दोस्तों उसके बाद मैं उनको बोला कि चलिए मैं सोचता हूँ और मैं आपको बताता हूँ, आप ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताए थे, आपको बताना चाहिए थे आप लोग फ्रॉड हैं। ऐसे बोल के मैं इनको फ़ोन कट कर दिया, मैंने डिस्कनेक्ट कर दिया। उसके बाद दोस्तों मैं इनका पोर्टल पे गया, गौर से गया और देखा तो कोई भी सर्विसेज इनका पेड वाला नहीं था, मतलब कि सब फ्री ऑफ कॉस्ट जो अभी मार्केट में अवेलेबल है, जैसे आधार कार्ड में एड्रेस अपडेट करना वो अवेलेबल आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में कर सकते हैं मार्केट में, मतलब सरकारी पोर्टल पे जाकर के आप पैन कार्ड फ्री ऑफ कॉस्ट पोर्टल है, 107 रुपये 103 रुपये करता हो, फ्री ऑफ कॉस्ट में कर सकते हैं। लेकिन अगर वही सर्विसेज इनसे बाय कीजिएगा तो ये करीब करीब बोले कि 97 रुपये में आपको प्रोवाइड कर देंगे, तो कोई तीर नहीं मारे। दूसरी बात बताते हैं, इन्होंने बोला था आयुष्मान कार्ड, जो इनका सर्विसेज दिया हुआ आयुष्मान कार्ड उस पर जैसे ही हम क्लिक किए तो डायरेक्ट पीएम जो आयुष्मान कार्ड का पोर्टल है उस पर डाइवर्ट हो गया। इसी तरह से जाति आवासीय ये सारी जितनी भी सर्विसेज मतलब कि करना चाहते थे वो सब कुछ वही पोर्टल है जो आपको मार्केट में फ्री ऑफ कॉस्ट में अवेलेबल है। अब दोस्तों मैंने इनको कॉल किया, इनसे बात किया कि जो भी आप सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं ये सब सर्विसेज तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में हर मैं सरकारी गवर्नमेंट साइट पे ये सब कुछ सर्विसेज फ्री ऑफ कॉस्ट में मिला, तो आप चार्ज किस बात का ले रहे हैं। तो इनका एक्सक्यूज ये था कि जैसे ही हम 6000 रुपया पेमेंट करेंगे इनको, ये अपना प्राइवेट जो इनका है सेक्रेट पोर्टल पता नहीं कहाँ से इन्वेंशन करेंगे उसका एक्सेस देंगे, और उसका एक्सेस देने के बाद वो प्रॉपरली वर्क करेगा और वहीं से हम सारा पूरा कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों आपको बता दूं कि ये टोटली फ्रॉड कर रहे थे, अगर मैं इनको 6000 रुपया दे भी देता तो 6000 रुपया भी मेरा चल जाता, 2480 रुपया तो चला गया और 6000 भी चल जाता। और होता क्या दोस्तों, कोई भी बिजनेसमैन जो स्मॉल स्केल पे काम करना चाहता है या कर रहा है तो ये ज़्यादा चुटलेबाजी में नहीं पड़ता, वो कई लोग से 6000 रुपये ऐटते होंगे और उनका घंटा धार कर देते होंगे 6000 की जगह पे, अब मे बी वो 12000 भी चार्ज करते होंगे, क्योंकि 2480 रुपया पे करने के बाद 6000 डिमांड किए, उसके बाद में 6000 के बाद में अगर पेमेंट कर देते तो ये 12000-20000 भी डिमांड कर सकते थे। तो दोस्तों मेरा कहने का मतलब ये था कि इस टाइप का फ्रॉडगिरी काफ़ी ज़्यादा मार्केट में चल रहा है। इस जन डिजिटल सेवा केंद्र के बारे में यही कहना चाहूँगा दोस्तों कि ये फॉल्स है, फ्रॉड है, और इसके चक्कर में ना आए, अगर फ्रॉड ना होता तो ये नेगोशिएशन नहीं करते। जब मैंने 6000 रुपया देने से मना किया तो इन्होंने बोला कि आप 6000 रुपया नहीं दे सकते हैं, तो कितना अमाउंट दे सकते हैं आप बताइए, हम उतना में कर देंगे। यहाँ तक ये 500 रुपया पे आ गए, जब मैं बोला कि नहीं मैं डिपॉजिट नहीं कर सकता, मेरे पास पैसे नहीं है, तो इन्होंने बोला कि चलिए मैं नेगोशिएशन करवाता हूँ वैकेंट से और आपको 5000 में करवा देता हूँ। फिर 4000 रुपये आ गए, फिर 3000 रुपये आ गए और 1000 रुपये आ गए, उसके बाद 500 पे भी आ गए। तो सुनिए आपका पूरा वॉइस, आपको सुनाते हैं क्या क्या कन्वर्सेशन इनके जो एजेंट्स हैं उनसे हुआ था, वो पूरा वॉइस ओवर मैंने रिकॉर्ड किया था, वो पूरा आपको ध्यान से सुनिए और इस टाइप के जाल में न पड़िए। और दोस्तों अगर आपके साथ भी किसी तरह का फ्रॉड हुआ है तो प्लीज़ इस वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए और लोगों को जागरूक कीजिए, सजग कीजिए, क्योंकि एक दो पैसे की धोखाधड़ी लोग नहीं कर रहे हैं, पूरा ऑल ओवर इंडिया में कर रहे हैं और लोगों को फंसा रहे हैं। धन्यवाद दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर। मैडम जो आप पहले से बताए नहीं कि इसके बाद में वॉलेट में आपको ऐड करना पड़ेगा, पैसा भी ऐड करना पड़ेगा, आपको बताया गया आपकी प्रोसेस हुई है, जो लाइफ टाइम का रजिस्ट्रेशन हुआ है वो केवल 2480 हुआ है, ठीक है, उसमें मैंने आपको बताया था, ठीक है, जो कि 2480 था वो आपका रजिस्ट्रेशन है। और जो रही बात वॉलेट की, तो वॉलेट तो आपको केवल अपनी गवर्नमेंट के आगे फाइल एक्टिवेट दिखाने के लिए करवाना था, उसमें आप रिटर्न भी कर सकते हो। नहीं बस आपकी फाइल शो करवाने के लिए और आपके बेनिफिट ऐड करवाने के लिए होता है, बस उसको बस आप आधे एक घंटे में वापस निकाल भी सकते हो, बाकी आपका वॉलेट आप ही के पास ही रहेगा सर, उससे चाहे आप रख के काम कर लेते हो या फिर निकाल लो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं मैडम। और बहुत सारे साइट तो हम इतना चलाते हैं मैडम, किसी में 6000 रुपये तो ऐड करवाती नहीं है, आप 6000 रुपये एक ही बार ऐड करने बोल रहे हैं। सुनिए सर, 6000 भी है जो आपके बेनिफिट के लिए ना, आप एक आधे घंटे के लिए अपना दिखाने के लिए अगर ऐड करते हो उसको वापस रिटर्न कर लेते हो तो मैडम वो समझ, देखिए होता क्या है ना कि आप लोग 6000 रुपये भी ऐड करवाइएगा वो भी पैसे रिफंड नहीं दीजिएगा, जब आप पहले ऐसी बात नहीं है, रिटर्न हो जाएगी सर, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आप रिटर्न कर सकते हैं, वो तो बस आपकी फाइल एक्टिवेट दिखाने के लिए आपका वॉलेट एक्टिवेट दिखाने, पेमेंट ऐड करना क्या जरूरी है, फाइल ऐसी एक्टिवेट कीजिए जब मैं 2400 रुपया दे चुका हूँ, पूरा मैं डिटेल दे चुका हूँ, जब सब कुछ मैं डिटेल दे चुका हूँ तो फाइल एक्टिवेशन करने में क्या आपको 6000 रुपये उसमें शो करना पड़ेगा। बताइए सर, मेरी बात सुनिए सर, मैंने आपको कहा था 2480, उसमें क्या आपको आईडी पासवर्ड नहीं मिला था, ये बताइए मेरी हमारी तरफ से। अब फायदा नहीं मैडम, आपका ये जो फालतू में व्यवसाय डम्मी है क्या है कुछ भी तो समझ में नहीं, क्योंकि कुछ भी तो नहीं हो रहा।
कुछ भी नहीं है, आपका पूरा सर्विस डमी है। चौबीस आप करते हैं, आपकी आईडी का प्रूफ मतलब यूटीआर नंबर आपका लगता है, फिर आपको आईडी पासवर्ड भी दिया गया, ऑन कॉल लेके आपकी केवाईसी भी करवाई जा रही थी, उसमें बस आपका वॉलेट एक्टिवेट शो करवाने के लिए गवर्नमेंट के आगे वो करवाना पड़ता है, उसको आप फिर वापस रिटर्न भी कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा कुछ नहीं मैडम, आप लोग भी ये ऐड करना भी ना, मेरा हमको लगा 6,000 रुपये मेरा बर्बाद नहीं चल जाएगा। सर ट्रस्ट, वो आप लोग ट्रस्ट कीजिए कि आप एक बात बताइए सर, आप मैंने आपको 2480 बोला था, उसने आपको आईडी पासवर्ड दिया कि नहीं दिया, एग्री कीजिए इस बात पे। लेकिन मैडम देखिए, आप बोले क्या थे कि जितना बैंक है सबका आप ठीक कर सकते हैं पासबुक अपनी, सबसे पहली बात की इसमें कुछ सर्विसेस ओपन ही नहीं हो रहा, सब वो ऐसे दिया, वो फॉल्स दिया हुआ, सब फॉल्स दिया हुआ। सुनिए सर, विदाउट केवाईसी के आपके कैसा होगा, केवाईसी तो होगी ना। अरे मैडम, 2400 रुपये 2400 2500 रुपये कोची के लिए थे, मतलब अपने पैकेट में रखने के लिए थे। सर आपका रजिस्ट्रेशन चार्ज ये 2480 ठीक है, वॉलेट आपका वापस से रिटर्न हो जाता है, ऊपर केवल आपकी फाइल एक्टिवेट करवाने के लिए। सामने निकल रहा हूँ, सामने निकल रहा हूँ, चलिए मैं क्या करूं मैडम, आप जो लोग हैं ना फंसाते हैं वैसे भोला भोला लोग का। अगर मान लिया कि ठीक है हम 2400, सुनिए सुनिए बताते हैं, अगर मान लिया हम 2400 कहीं से एडजस्ट करके आपको पेमेंट किए 2500 रुपया, ठीक है, अगर मान लिया मेरे पास 6,000 रुपये नहीं हुआ तो आप तो 6,000 रुपये नहीं हुआ तो आप तो मेरा 2400 रुपया चला गया। सुनिए सर, केवल घंटे दो घंटे के लिए आपको अपना वॉलेट एक्टिवेट शो करवाने के लिए अगर आप किसी से अरेंज भी करते हो तो ट्रस्ट तो नहीं मैडम, सर नहीं मैडम, ट्रस्ट नहीं ना है, क्योंकि हम देखे हुए हैं ट्रस्ट नहीं है आप लोग पे, क्योंकि आप पहले ये बात क्यों नहीं बताते कि आपको वॉलेट ऐड करने में 6,000 रुपये लगेगा, इस बात आपको क्लियर बताना चाहिए। वॉलेट ऐड केवल आपकी फाइल एक्टिवेट शो करवाने के लिए है, बाकी उसको आप रिटर्न कर सकते हो, पूरे के पूरे 6,000 वापस ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। शो करने का मैडम यहाँ पे तो हम 20 रुपया 50 रुपये से भी शो कर सकते हैं ना, से बेनिफिट भी ऐड नहीं हो गया ना, फर्स्ट वॉलेट तो आपको बताया गया वो कंपनी की साइड से ऐड होता है। नहीं मैडम, आप पे ट्रस्ट नहीं आ रहा, क्योंकि ना शुरू में ही आप लोग गलती कर दिए। ट्रस्ट एक बार बताइए कि आपको ऑन कॉल पे लेके आईडी पासवर्ड नहीं दिया क्या, मैंने आपको जो आईडी पासवर्ड तो मैडम साइट क्रिएट करना, साइट वेबसाइट क्रिएट करना कौन बड़ी बात है मैडम, दिन तीन 2000 में तो पूरा साइट क्रिएट हो जाता ये सब। केवल इतनी सी बात है सर, आपकी केवाईसी करवाने के लिए आपका वेबसाइट क्रिएट करना मुश्किल है, उसके बाद उस वेबसाइट पे हजारों ईआईडी पासवर्ड बना दिए आप, उससे क्या लेना है, आप हजारों ईआईडी पासवर्ड क्रिएट हो जाता, कोई बात नहीं मैडम, हम तो वीडियो बनाएंगे आपको भी शेयर करेंगे आपके बारे में, 2400 रुपये हम बेस्ट नहीं जानेंगे। जो गलत होगा ना वो डरेगा, पहली बात तो हम गलत नहीं है तो डरेंगे नहीं, कहीं ना कोई प्रॉब्लम नहीं है, कहीं ना कहीं से इसको हम निकालेंगे पैसे को, हम वीडियो बनाएंगे, क्योंकि मेरा खुद का चैनल है, 1-2 सब्सक्राइबर नहीं है मेरा, ऑलरेडी 3.5 लाख सब्सक्राइबर है, अब बहुत ज़्यादा व्यूज आता है, ठीक है ना, आप फेसबुक पे मेरा रीच बहुत बहुत बड़ा है। अच्छा हाँ ठीक है, हम वीडियो बनाएंगे, कोई इशू नहीं है, आप लोग गलत किए हैं। सुनिए सर, हाँ सुनिए सर, अगर इसमें कुछ बेनिफिट ऐड होते हैं तो मैं एक बार बात कर लेती हूँ, अगर कुछ होता है तो ठीक है, मैं आपको उसी अकॉर्डिंग कॉल कर दूंगी फिर, है ना। हाँ ठीक है, कॉल कर दीजिएगा, लेकिन मैडम आप कॉल भी नहीं कीजिएगा ना, तो भी मुझे कंटेंट मिला, इसको हम वीडियो डालेंगे ही डालेंगे, आप कॉल कीजिए ना कीजिए, हम डालेंगे क्योंकि आप लोग फॉल्स किए हैं, ठीक है ना, इसी तरह से भोले भाले लोग को फंसाते हैं आप लोग। नो सर, ऐसा कुछ भोला वाला कुछ भी नहीं फंसाया गया है, आपको आईडी पासवर्ड दिया जाता है और आपकी वॉलेट एक्टिवेट शो करवाने के लिए। नहीं मैडम, फंसाया गया क्योंकि आप लोग क्लियर नहीं बताते हैं, अब कई लोग अब लेन है, अब कितना अच्छा से हम भी ट्रस्ट करके चलो आप पे क्रिएट किए, चलिए एडवर्टाइजमेंट गूगल पे ऐड आ रहा है आपका, और वो ट्रस्ट बना रहेगा सर, यूट्यूब पे ऐड आ रहा उसके बावजूद भी आप लोग ऐसे करते हैं। ठीक है मैडम, रखिए 2400 रुपये जाने नहीं देंगे हम, इसको तो निकालेंगे कहीं ना कहीं से, आप ही का ऐड का पैसा जो आप एडवर्टाइजमेंट पे खर्च कर रहे हैं उसी से पैसे निकलेगा। ठीक है रखिए, बात करती हूँ बेनिफिट वगैरह की, सफाई तो करवाना होगा ठीक है, बट उसका आपका मैंने कम करवा दिया है कि अभी आपको बोला था ना कि 6,000 आप बोले पैक करवा के वापस से रिटर्न कर सकते हो, है ना। अच्छा ठीक है मैडम जी, ठीक उसी तरह से मैंने आपकी फाइल के लिए अपडेट किया था सीनियर से, ठीक है, उन्होंने कहा है कि जब इनका ऐसा हो भी है प्रॉब्लम वगैरह तो आप उनका मिनिमम बोनस तो करवाना होता ही है, क्योंकि गवर्नमेंट के आगे फाइल शो एक्टिवेट करवाने के लिए होता है, आप मिनिमम कितना कर सकते हो बताइए सर। मिनिमम मैडम जैसे जो एक्टिवेशन के लिए आप बोल रहे थे कि FPS एक्टिवेशन के लिए 9 या 10 रुपये का चार्ज करता है ऐसा बोल रहे थे, जब एक्टिवेशन कर रही थी ना तब वो बोली मैडम कि 9 या 10 रुपये आपका चार्ज कटेगा तब ही एक्टिवेशन होगा,
वो आपका केवाईसी का बताया उन्होंने, केवाईसी का चार्ज है वो 100 रुपए 10 रुपए। आपका एक्टिवेट शो करवाने के लिए आप इसको वापस रिटर्न भी कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको मॉर्निंग में भी समझाया था। केवल आपकी फाइल है ना एक बार गवर्नमेंट के आगे शो करवाने के लिए बस करवाना था, तो आपके साथ उसको रिटर्न कर सकते हो। जो आप वॉलेट कर रहे हो या तो आप उसको रख के काम कर सकते हो, या फिर आप वापस लेना चाहो तो वापस भी ले सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। वॉलेट ऐसा नहीं है, वो आपको वॉलेट आपके पास ही रहेगा सर। एक्चुअली मैडम ये सब बात जो है ना आप लोग पहले नहीं बताते हैं, पहले बताते तो आदमी दिमाग में रहता कि नहीं भाई ऐसे ऐसे करना है, तो थोड़ा डाउट नहीं होता। लेकिन आप लोग पहले बोले कि नहीं 2480 रुपये में सब कुछ हो जाएगा, 2480 रुपये लगेगा। मेरी बात सुनिए, जो मेरा है ना डिपार्टमेंट में लोअर डिपार्टमेंट है, ठीक है, वॉलेट वाला डिपार्टमेंट अलग होता है, केवाईसी वाला डिपार्टमेंट अलग होता है, और एग्रीमेंट डिपार्टमेंट अलग होता है, तो उनकी प्रोसेस वो जानते हैं वो कैसे थी। अभी मेरे पास उनकी मेल आई थी, ठीक है, जिसमें मैंने आपसे मॉर्निंग में भी बात की थी, ठीक है, तो वही कहना चाह रही हूँ सर, आपका जो केवल है ना प्रोसेस केवल घंटे दो घंटे की, आप वापस रिटर्न कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, आपका वॉलेट आपके पास ही आएगा, वो तो बस आपकी फाइल शो एक्टिवेट दिखाने के लिए, आपके बेनिफिट ऐड करवाने के लिए होता है सर, बस आप वापस निकाल लो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसमें जो वॉलेट में पैसे ऐड करेंगे मैडम हम, ठीक है, तो वॉलेट में जो पैसे ऐड करेंगे तो उससे क्या क्या सर्विसेज ले सकेंगे? आपके पैनल पे तो कुछ सर्विसेज नहीं है। तो सर आपकी केवाईसी अभी तक अपडेट नहीं हुई ना, केवाईसी अपडेट होती है आप अपना काम स्टार्ट कर सकते हो। वॉलेट का बस आपको शो करवाना है, उसको आप रिटर्न कर लो, ठीक है, केवाईसी आपकी एक्टिवेट हो जाएगी, वो केवाईसी कर दी जाएगी, फिर आप काम स्टार्ट कर लेना। अच्छा, मतलब कि हम वॉलेट हम ऐड कर देते हैं, ऐड करने के बाद वो गवर्नमेंट को पता ही क्या होगा? सुनिए सर, ऐड वो ऐसा होगा ऐड कि आपकी फाइल एक्टिवेट शो हो जाएगी, मतलब वॉलेट एक्टिवेट शो हो जाएगा, क्योंकि अभी आपने प्रोसेस करवाई है, उसमें आपका वॉलेट कोड ना दिख रहा है सर कि आपने वॉलेट एक्टिवेट करवाया नहीं किया है, तो जैसे आपका वॉलेट एक्टिवेट शो हो जाएगा ना, ठीक है, वापस रिटर्न कर लो, वो कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें। ठीक है मैडम, देखिए आप लोग जो है ना ये जो बना रखे हैं ना धंधा, बहुत गलत है, ऐसे नहीं होना चाहिए सर। कोई धंधा नहीं है, कोई गलत नहीं है, आपको मैंने जैसे कि शुरुआत में भी बोला था वैसे अभी भी बोल रही हूँ, आपको बस अपनी वॉलेट एक्टिवेट दिखाने के लिए करना है, बाकी कितना अभी कितना रिचार्ज करना पड़ेगा इसको मिनिमम? मिनिमम आपको बताया था ना वैसे तो 6,000 बताया था, बट आप मिनिमम कितना कर सकते हैं आप बताइए सर की तरफ से। वो तो बोला मैडम, जो बोले कि एक्टिवेशन में आपको 5,000, सुनिए सर 5,000 तो आपको करवाना ही पड़ेगा, बाकी आप रिटर्न कर लीजिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब पूरा शो देखने के लिए हमको 5,000 तक खर्च करना पड़ेगा सर? के खर्च नहीं करना पड़ेगा, खर्च आपको वापस मिल जाएगा, बस आपको एक्टिवेट शो करवाने के लिए नहीं आएगा मैडम। जैसे देख रहे हैं आपके पैनल पे जो चीज हम देख रहे हैं ना, इस पैनल पे हम देख लिया ऐसा कि आपके पैनल पे कुछ भी नहीं है, बस एक सॉफ्टवेयर है, बाकी कुछ भी नहीं है। ये पी एस भी शायद एक्टिवेट होगा कि नहीं, वो उसका कोई गारंटी नहीं है। तो आपकी केवाईसी ही नहीं हुई तो आप मैडम से काम कैसे करोगे? देखिए मैडम, आपके पैनल पे देख लिया, ऑनलाइन सर्विसेज में देखते हैं तो जितना भी लिंक दिया हुआ है ना, सब डायरेक्ट वेबसाइट का लिंक दिया हुआ, जहाँ पे वर्क होता है वो ऑटोमेटिक डायरेक्ट होकर उस साइट पे जाता है, वर्क होता है। पैनल से आपको कुछ है ही नहीं, आप लोग तो बस ये काट रहे हैं, लोग चुतिया बना रहे हैं सर। इसका रिकॉर्डिंग लाइन पे है, आप थोड़ा मिसबिहेव होकर बात कीजिए, मैं आपसे पोलाइटली बात कर रही हूँ मैडम। वही तो बोल रहे हैं कि आप पोलाइटली बात कर रहे हैं ना, आपसे मैं पोलाइटली बात कर रहा हूँ। वही रिकॉर्ड जो आप अपने पास रखिएगा ना, ये जो आपका बात रिकॉर्ड हो रहा है ना, पूरा इंडिया देखेगा, इसको मैं खुद रिकॉर्ड करके ना इसको हम यूट्यूब पे फेसबुक पे सब पे पब्लिश करने वाला हूँ। कर लीजिए सर, जो गलत होता है ना वही डरता है, पहली बात तो ठीक है। तो इसमें डरने वाला बात नहीं मैडम, देखिए आप लोग जो कर रहे हैं ना वो गलत नहीं, आप अपने एंड से सही होंगे, लेकिन मेरे एंड से तो गलत हुआ ना। आप अपने एंड से बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप, लेकिन मेरे एंड में एक नया ग्राहक आता है आपके पास, उसको अभी भी गलत समझ रहे हैं, एक नए ग्राहक को फंसाते हैं, उसको पूरी बात बताते नहीं है, उसके बाद में बोलते हैं कि नहीं इतना आप कीजिएगा तो और होगा, इतना आप कीजिएगा कोई ठीक है, मान लिया कि 5,000 आपको पेड भी कर दिया, उसके बाद में नया कुछ एक्टिवेशन करने जाऊंगा आप ही कीजिएगा, इतना दीजिएगा तब होगा। ऐसे भी तो होता बहुत सारा, मेरे हम खुद साइबर कैफे चलाते हैं तो मेरे पास ऐसा आता, मैं तो आपका अभी वेबसाइट का दिखा, एडवर्टाइजमेंट देखा, तो गूगल पे आप जो वॉलेट सुनिए सर, जो वॉलेट करोगे ना वापस आपको रिटर्न ही मिलता है, वो जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग से लेकर एंड तक यही कहा है कि आपको आपका वॉलेट वापस रिटर्न भी होता है, वो बस आपकी फाइल एक्टिवेट वॉलेट एक्टिवेट शो करवाने के लिए, अभी केवाईसी करवाने के लिए मेन होता है।
स्पेशली मैडम देखिए आपके साइड पे कुछ भी नहीं है, ठीक है, ये सब बेकार है, लोगों को अरे मैडम वेबसाइट पे आपका सब कुछ मैं चेक कर लिया, ठीक है ना, कुछ भी नहीं वेबसाइट पे आपका, ये लोगों को बस मूर्ख बना रहे हैं आप। सर आप कर दीजिए, बोले नहीं ना आपको, देखिए आपको 5,000 भी दे देंगे ना आप, तो 5,000 मेरा चला जाएगा, कभी वापस नहीं आएगा। तो सुनिए सर, अभी आप कितना कर रहे हैं, जितना की आपकी वॉलेट शो करवाने के लिए कर सकते हैं? मैं देखिए मिनिमम मैंने आपको 5,000 बताया था, अब इससे भी कम आप बताइए कितना कर सकते हैं। बोला तो मैडम वो वॉलेट एक्टिवेशन करने के लिए 20 रुपीज बोले थे, 10 रुपया करता, हम 20 रुपीज कर रहे हैं। वॉलेट एक्टिवेशन के लिए था, वो KYC चार्ज था, वॉलेट एक्टिवेशन की बात अलग है और KYC चार्ज अलग है। वो KYC चार्ज आपका 10-20 रुपए लगता है, वो कटता है बस KYC कराने में। अच्छा आप APS का जो एक्टिवेशन होता वो जी, जो APS एक्टिवेशन हो ही ना मैडम, APS का जी, APS KYC होती आती है, वॉलेट एक्टिवेट शो करवाने के लिए। तो अभी बताइए मिनिमम कितना अमाउंट कर सकते हैं, कितना वॉलेट कर सकते हैं, जिससे मैं आपकी फाइल एक्टिवेट दिखाऊं, फिर वापस आप रिटर्न कर लेना। चलिए कुछ नहीं होगा मैडम, चलिए आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है कुछ नहीं होगा, बस आप लोग बस वॉलेट में डालेंगे पैसे ना, वो वॉलेट में पैसे जाएंगे, वो विड्रॉल ही नहीं होगा। सर कैसे नहीं होगा, नहीं होगा, कैसे नहीं होगा, ये बात बताइए। विड्रॉल नहीं होगा मैडम, हम देख लिए ना, विड्रॉल होगा ही नहीं, क्योंकि आपके पैनल पे देखिए लीगली आपके पास सब कुछ हो सकता है, लेकिन आपके पैनल पे कुछ है ही नहीं। तो सर KYC नहीं, तभी तो आपको नहीं दिख रहा, हमारे पास तो वॉलेट एक्टिवेट होते हैं, हम आपको KYC करवाते कि काम कर सकते हैं। मैडम ठीक है, सर आप लाइन पे दीजिए, मैं आपकी बात से बात करती हूँ, ठीक है, आपको बिलीव नहीं होगा ना, तो मैं आपकी बात ही करा। चलिए ठीक है, आप जैसे हमने कॉन्फ्रेंस से लेके किए थे ना, आप अपना पैनल दिखाइए तो हमको पूरा क्या क्या सर्विसेज उस पर है, सर्विसेज है उसके, एक काम बन करके दिखाइए तब हम पे करते हैं। रुकिए मैं आपको वीडियो कॉल पे दिखाती हूँ आपको क्या क्या सर्विसेज मिलती है, ठीक है? हाँ दिखाइए, तो रुकिए मैं करती हूँ, आपको कॉल तक करना पड़ेगा, है ना? ठीक है।